बड़ा झटका लगा है। 53 आरोपियों पर देशद्रोह की जो धारा थी वो हटा ली गई है। 53 आरोपियों पर के ऊपर से देशद्रोह की धारा हटा ली गई है। आपको बताएं कि 25 अगस्त को हिंसा में 40 लोगों की मौत हुई थी। विपिन परमार हमारे साथ जुड़ गए और जानकारी के साथ। एसआईटी को तगड़ा झटका लगा है विपिन, और क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी खबर पर? सही बात है, पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं बैकफुट पर जाती नजर आएगी, क्योंकि सुरेंद्र धीमान हिंसा और चमकौर सिंह वो व्यक्ति है जिनके जिन पर यह आरोप लगे थे कि पंचकुला में हिंसा भड़काने को लेकर जितना भी पैसा डेरा से आया था वो इन लोगों के द्वारा पहुंचाया गया था। तो ऐसे में अब 53 लोगों पर जिस तरह से देशद्रोह की धारा एड की गई थी, जिस तरह से पंचकुला में आगजनी हिंसा हुई, 40 लोगों को जान जब गंवानी पड़ी, उसके बाद ये 53 लोगों को बड़ी राहत जो है ये कोर्ट से मिली है और इन पर जो है अब ट्रायल कोर्ट जो है वो केस आगे चलाएगा। तो ऐसे में एसआईटी की पूरी इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं बैकफुट पर जाती दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि एसआईटी इन चीजों को किस तरह से प्रूव करेगी। बहुत शुक्रिया विपिन परमार जानकारी देने के लिए। तो डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जब गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद उसके समर्थकों ने ये पूरे का पूरा हिंसा को अंजाम दिया था और 40 लोगों की मौत हुई थी इस पूरे घटनाक्रम पे। लेकिन अब एसआईटी को लगा है बड़ा झटका, क्योंकि एसआईटी को इस झटके में 53 आरोपियों को देशद्रोह के आरोप से मुक्त कर दिया गया है। एक छोटे से ब्रेक।